अस्सलाम दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपको खुश आमदीद। जैसा आप देख रहे हैं पीछे कुछ लिखा हुआ है, लस्सी जैसे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। आज हम पीने के लिए आए हैं लस्सी। अच्छा, कहाँ पीने के लिए आए हैं लस्सी, ये बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं इमरान लस्सी, सॉरी सलीम लस्सी हाउस। ये है मेन एमेजिना रोड, मीरठ कबाब हाउस के बराबर में। कबाब हाउस के बराबर में, इस तरफ बिनोरी टाउन मदरसा है और इस तरफ जो है एमेजिना रोड कायदे आजम का मजार, तो इसके मिड में है सलीम लस्सी हाउस, बड़ी मशहूर है यहाँ की। तो आज हम यहाँ पे आए हैं लस्सी पीने, तो हमने बोला गर्मी का मौसम है और लस्सी पी जाए, गर्मी भगाई जाए, बारिश भी हो नहीं रही है, और वीआईपी लस्सी पी जाए ताकि मलाई वलाई खा के जान वान बना ले कराची वाले। आपको पता कराची में सिर्फ धुआं ही खाती है वहाँ, और आज हमने बोला मलाई भी खाई जाए। आज जैसे मौसम आपको पता अच्छा तो हो रहा है लेकिन धस बहुत हो रहा है, तो आज रात में लेकिन लेट नाइट थोड़ा लस्सी बने के लिए। हमारी शक्लों से पता चल रहा होगा सुस्ती सब मौसम हुआ है। हाँ, थोड़ा फ्रेश करने के लिए आज हम फ्रेश हो जाओ थोड़ा, और फ्रेश कैसे कर रहे हम लस्सी पी के फ्रेश कर रहे हैं अपने आप को। तो नाजिन, अभी हमने लस्सी मंगाई है, ये कराची की मशहूर लस्सियों में से एक है, जैसे हमने नाम सुना है। अभी तक तो हमारे नजर वाटर वाइन लस्सी बेस्ट है, लेकिन अभी हम सुना है इसको ट्राई करें, मैं आपको बताएं कैसी है लस्सी, जुड़ेगा हमारे साथ। जी नाजिन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लस्सी मौजूद है, अजबान भाई ने मलाई पहले ही खा ली है और मेरी वाली मलाई मौजूद है। तो ये देखें आप सामने आपके लस्सी, जी नाजिन, तो जैसा आप देख रहे हैं ये लस्सी जो हमारी आ चुकी है असद के हाथ से, मेरे हाथ में भी। अभी वीडियो हमने दिखाया कि फुल मलाई वाली लस्सी थी, मलाई मैंने पहले ही खा ली इसलिए कि बर्फ के साथ मलाई भी नहीं खाई जाती, और इसमें बर्फ भी डाली हुई है, तो खा पी के दिखाता हूँ। सबसे पहले बात आपको ये बता दूं कि जिस लस्सी में मलाई बर्फ डली हुई हो ना, तो समझो फिर वो लस्सी में जो है ना वो बात नहीं आती। ओरिजिनल लस्सी वो होती है जिसमें बर्फ ना हो। काफी सारे ऐसे लस्सी वाले जो बर्फ की लस्सी देते हैं, उनकी लस्सी का मजा ही अलग होता है। ये भी अच्छी है लेकिन बर्फ है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, आप बताएं क्या कहते हैं आप? बर्फ की वजह से वो पानीपन जो होता है ना दही का, एक तो वो आ जाता है, और लेकिन इसकी दही कदर है बेहतर है, क्योंकि एक जो खटास होती है ना लस्सी वालों के पास, उससे बेहतर है इसकी लस्सी। ये है कि पतली हो गई है लस्सी, गाढ़ापन नहीं है, एक जो दही का होता है मलाई का वो सब नहीं है, लेकिन कदर है बेहतर है खटास के हिसाब से। हम ये नहीं कहते जो खट्टी दही होती है वो बेहतर है, उस लिहाज से बेहतर है। हम ये नहीं कह सकते कराची की बहुत मशहूर लस्सियों में से एक है, लेकिन कदर बेहतर है, सही है, बस ट्राई कर सकते हैं। हम भी राइट देख के पागल हो गए थे तो इसलिए हमने तो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई कर लो, लेकिन चलें खैर है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलती होती है। तो नाजी लस्सी अभी हम पी रहे हैं, तो लस्सी हम ट्राई करते हैं और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नाजी जुड़ेगा हमारे साथ, जाते थे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छा, लोकेशन आपने बता दी है? जी जी, शॉप ने बता दें दोबारा से, एमेजिना रोड और बिनोरिया टाउन के बीच में ये है सलीम लस्सी हाउस। तो आप जो भी आएगा, ये मशहूर है यहाँ की मेरठ कबाब के साथ है, तो जो भी आएगा इसके बराबर में मिजान बैंक है, जो भी आएगा वो समझ जाएगा यहाँ की मशहूर लस्सी है सलीम लस्सी हाउस। और यहाँ पे मुख्तलिफ आइटम है, सिर्फ लस्सी नहीं है, मिल्क शेक है, ये है चॉकलेट शेक है, सोडा है, दूध सोडा है, सेवन अप, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लस्सी पीना हो तो लस्सी ट्राई करें, और चीजें आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है नाजी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर करें। ओके।